नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। महाराजगंज अनुमंडल शहर के भारतीय स्टेट बैंक से पैसा CSP पर ग्राहकों को देने के लिए ला रहे CSP संचालक अभिषेक कुमार से महाराजगंज BSNL टावर के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,09,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के मामले की जांच में जुट गई। CSP संचालक अभिषेक कुमार ने कहा कि दो बाइक पर 6 की संख्या में हथियार लैस अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित द्वारा शिकायत मिलने के तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के मामले की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी ने कहा कि थाना गेट के सामने पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी, जहां हेलमेट का चालान कट जाने के डर से CSP संचालन मेन रोड छोड़कर गली का रोड से जा रहा था, तभी सुनसान रास्ता देख अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हम SBI से आ रहे थे महाराजगंज होते हुए मेन रोड पे, तो जो मेरा कस्टमर था मेरे साथ था, तो उसका मास्क वास्क नहीं लगाया था, तो बोला सर साइड वाले रूट से चला जाए। जैसे हम 10-20 कदम आगे बढ़े हुए थे साइड वाले रूट में, वैसे अपराधियों ने हथियार दिखाया। हथियार देखते ही हम उसको बैग दे दिए। बैग के बाद 1 मिनट तक रुक के उन्होंने हमारा सर्च किया। पूरा सर्च के बाद जो मेरा बाइक वाइक का चाबी वाबी था वो सब ले लिया है, ले कर भाग गया सर। मारा वारा नहीं हम। कितने संख्या में थे? एक बाइक पे 3, फिर बैग से आया 3, वो 6 था। 6 था लोग। कितने पैसे थी आपके? 1,09,000। कहाँ ले जा रहे थे पैसा आप? CSP कुथुआ सरों। परिचय दे दीजिए। CSP संचालक कुथुआ सरंगपुर अभिषेक कुमार। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, सारण, बिहार। बिहार के गोपालगंज में आज को एक बड़ा नाव हादसा हो गया। घटना में 24 लोगों के डूबने की आशंका है। डूबने वालों में कुचाय कोट और बिशंबरपुर थाना के इलाके के कई किसान बताए जा रहे हैं। हादसा बेतिया के नौतन इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि नाव पर ट्रैक्टर भी लदा था और वजन ज्यादा होने के कारण संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हुआ। दो लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, बाकी की तलाश हो रही है। बताया जाता है कि बड़ा नाव हादसा गंडक नदी में बेतिया गोपालगंज सीमा स्थित भगवानपुर गांव के नजदीक हुआ है। इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घटना को लेकर दुख जताया है। मंगल पांडे ने ट्वीट पर लिखा है, गोपालगंज में गंडक नदी पर नाव हादसे का समाचार सुनकर मन दुखी। कई डूबने वालों का सामने आया नाम। अब तक लापता होने वालों में बिशंबरपुर थाने के खेम मटीहनिया गांव के इंद्रजीत प्रसाद, जो ट्रैक्टर का चालक और मालिक, इसके अलावा बरई पट्टी के जगपति शाह की पत्नी उमा देवी, बेतिया नौतन थाना के भगवानपुर गांव के सत्यनारायण यादव की बेटी सरोज कुमारी, नंदलाल यादव की बेटी पुनीता कुमारी भी शामिल है। बाकी की पहचान के लिए पुलिस जुटी है। ग्रामीणों ने बताया कि आज की सुबह 11 बजे खाना खाने के बाद रोज की तरह ये लोग नदी के उस पार खेतों में काम करने जा रहे थे। भगवानपुर में गंडक नदी में नाव में 24 लोग सवार, ट्रैक्टर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा और नाव हादसा हो गया। इधर मौके पर गोपालगंज के SDO, SDPO और वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं। फिलहाल घटनास्थल पर बेतिया और गोपालगंज प्रशासन की टीम पहुंच गई है। खोजबीन की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभी 4 लोगों को गंडक नदी से बाहर निकाला गया है। उनके इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि अन्य लोगों की खोजबीन की जा रही है। नदी के घाट पर जिले के दर्जनों लोग खेती करने के लिए बेतिया जाने के लिए बड़ी नाव पर ट्रैक्टर सवार थे। इसी दौरान किसी ने ट्रैक्टर को चालू कर दिया। ट्रैक्टर के डाला पर बैठे लोगों ने सीधे पानी में गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ है। गंडक नदी के घाट पर कोहराम मच गया है। वहीं गोपालगंज SDPO संजीव कुमार ने बताया कि 4 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बेतिया और गोपालगंज की सहयोग से शव की खोजबीन जारी है। वहीं बेतिया DM कुंदन कुमार और SP उपेंद्र नाथ वर्मा पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करते दिखे। नहीं हुआ है। दरअसल ये गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जम कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। ये आशंका जो ट्रैक्टर के बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक थे जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ ही अंदर चले गए हैं। और भी लोग, अगल बगल के लोग, घटना घटित हुए करीब 3-4 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है क्लियरली, लेकिन संभावना है कि 1-2 व्यक्ति और कोई ग्रामीण बच्चा कुछ हो सकता है जो नहीं कूद पाया हो ट्रैक्टर से, तो वो भी कहीं मिस्टेक से अंदर चला गया हो। कहाँ की घटना है सर? ये पश्चिमी चंपारण बेतिया के नौतन थाना अंतर्गत ये भगवानपुर स्कूल है, उसी के पास जो घाट है वही है।
8 या 9 व्यक्ति की बात आ रही है, बरामदगी की बात नहीं है, कोई नदी में कोई डूबने की बात हो तो सिर्फ ट्रैक्टर डूबा है, बाकी लोग तो जम कर गए थे। एक महिला जो गिरी थी उसको कुछ आगे बरामद किया गया है, रामपुर टेक्नाई की थी, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, गोपालगंज बिहार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।